अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हो रहा है सुबह के का नाश्ता, सुबह नाश्ते के साथ और चाय के साथ मेरे लोग का आगाज़। बस आजकल तबीयत ठीक नहीं है, वो वाला मज़ा और वो वाले वीडियोस नहीं बना पाती मैं। बस फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, आप सबको दिखाऊं और आप सब मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो यहाँ पे मैं करूँगी नाश्ता, उसके बाद जो भी रूटीन होगी दिन भर की मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आज यहाँ पे बन रहा था अंडे का सालन, तो बॉईल कर दिए थे मिनी अंडे, उसके बाद साथ रोटियां भी बन रही थी। जैसे ही अंडे बॉईल हो जाएंगे यहाँ पे रोटी भी मेरी रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद अंडों का मसाला बना के उसको, ये बॉईल हो गए इसकी साफ भी कर लिए जो छिलका वगैरह होता है, यहाँ पे प्याज टमाटर का मसाला बना के अच्छे से भून के उसमें बस ये नॉर्मल वाले मसाले जाएंगे, हल्दी नमक और लाल मिर्च, सूखा धनिया, ये चीज़ें डाली थी बस। इसको अच्छी तरह से भूना, उसके बाद जब तक इसका ऑयल नहीं आता तब तक इसको मसाले को भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें उसको भी पकाएंगे। इसको बस थोड़ा सा हिला के इसमें जैसे थोड़ा सा आ जाए, पकने लगे जैसे ही, उसके बाद इसमें अंडे शामिल कर दिए थे हमने। कभी कभी बनाते हैं हम अंडों का सालन, लोग देखती हूँ ज़्यादा खाते हैं, बस हमारे यहाँ कम। ये छत पे कल से गंदम पड़ी हुई है सूखने के लिए, तो मैं आज फिर इसको देखने के लिए गई थी और मौसम को भी देखने के लिए। तो दोपहर का टाइम था, इतनी कड़क धूप थी जिसकी कोई हद नहीं और गर्मी भी ज़्यादा। तो हमारे ही गंदम तो माशाल्लाह अच्छे से सूख गई है, हवाएं चलती हैं, शाम के टाइम तो काफ़ी मिट्टी वगैरह उड़ती है। यहाँ पे मेरी बेटी खा रही थी एग, यहाँ पे एग का सालन भी हमारा रेडी हो गया। इसमें हमने हरा धनिया डाल के खाने के लिए हम सब बैठ गए, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो सब ने मिलके खाना खाया। ये थी भिंडी की सब्जी, भिंडी उसमें प्याज इमली और ये था अंडों का सालन, मज़े का बना था। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर एक न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे। कल अल्लाह हाफिज़।